एप्लीकेशन है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड तो पेंडिंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और अभी तक आपका एग्जीक्यूटिव विजिट पेंडिंग है और साथ साथ में अगर आपका डॉक्यूमेंट्स भी पेंडिंग है तो आप कैसे अपलोड करेंगे, और साथ साथ में जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो कैसे अप्रूव होगा, कब तक अप्रूव होगा, वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि देखिए, अगर आप जिससे सेल्फ एम्प्लॉयड से अप्लाई करते हैं तो आपके पास में ITR रिटर्न होनी चाहिए, और साथ साथ में अगर आप सेल्फ पर्सन है तो आपके पास में सैलरी स्लिप होनी चाहिए। ये तो चलो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ साथ में जब आप अप्लाई करते हैं उस टाइम आपका वीडियो KYC हो जाता है, तो उसके बाद में आपके एग्जीक्यूटिव विजिट है वो भी पेंडिंग होता है और किसी के नहीं होता है। तो हमारे केस में क्या हुआ था और हमारा जो एग्जीक्यूटिव विजिट है वो कैसे हुआ था, वो सारी डिटेल आगे हम जानेंगे, और साथ साथ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करेंगे वो भी हम देखने वाले। चलिए हमारी मोबाइल स्क्रीन पर चलते और देखते हैं कि हम किस प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारी जो अमेजोन ऐप है इसे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर अमेजोन पे पर आएंगे, जैसे ही अमेजोन पे पर आएंगे यहाँ पर आपको आपका जो एप्लीकेशन अप्लाई किया था यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेजोन पे ICICI कार्ड, तो इस पर आपको कंप्लीट KYC पर करना होगा। इसमें आपको चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में नए ब्राउज़र होगा, उस पर आपका पेज इस पेज पर ले आएगा। यहाँ से अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया, वो OTP यहाँ से सबसे फर्स्ट में आपको फिल करना होगा, उसके बाद में वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से हमने वेरीफाई कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो एप्लीकेशन है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड पेंडिंग, यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या अगर आपके सैलरी से आपने अप्लाई किया तो आपकी सैलरी स्लिप होगी वो वहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्लिक हर टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो नया पेज खुलेगा, डू नॉट अपलोड पासवर्ड एंड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आप यहाँ पर जो आपके किसी PDF पर पासवर्ड वगैरह लगे हैं तो वो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। PDF के जो आप गूगल पर टाइप करेंगे रिमूव PDF पासवर्ड, तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने जो पासवर्ड है वो रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट 1 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ से अपलोड नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से फाइल खुल जाएगी। तो जो हमारी फाइल है वो हमने अपलोड कर दी, और जो हमारी तो आप देखेंगे कंपोजिशन फाइल है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी होता है। तो ये हमने दोनों फाइल हमारी इनकम टैक्स रिटर्न की लेटेस्ट ईयर की वो हमने अपलोड कर दी है, और यहाँ से एक बार आप पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। उसके बाद में हम करेंगे सबमिट डॉक्यूमेंट नाउ। तो चलिए उसके बाद में वी आर प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, चलिए चेक एप्लीकेशन स्टेटस। उसके बाद में नए पेज पर वापस ले जाएगा हमें, वही सेम टू सेम प्रोसेस है। चलिए तब तक हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि एप्लीकेशन रिसीव्ड हो चुका है, जो कि अभी हमने जस्ट इंस्टेंटली किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट भी लिखी आ रही है, November 28, 2022, वी आर असाइनिंग योर एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट कार्ड। और इसके बाद में मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो एग्जीक्यूटिव विजिट है वो हमारे पास में कोई एग्जीक्यूटिव नहीं आया उसके विदाउट, यानी हमारा स्काइप जो है वेरीफिकेशन है वो स्काइप हो चुका था। उसके बाद में डायरेक्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन है वो कम्प्लीट हो चुका है, और जब भी हमें कार्ड अप्रूवल का मैसेज आएगा तब तक हमें पता भी चल जाएगा, और मैं इसका एक वीडियो भी बना दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से अगर आपके भी एरर देखने को मिलता आगे नहीं बढ़ता है तो आप इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, जिससे आपका आसानी से काम बन जाएगा, और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से निकल जाएगा, और आपका कार्ड अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपका कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम देखेंगे, हमने जो हमारा जो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का था वो कंप्लीट आसानी से अपलोड कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से आप भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई एरर परेशानी है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर दें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को ही खत्म करते हैं, मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।